सुप्रभात बच्चों, कार्यपत्रिका काम में आपका स्वागत है। आपको ये काम हिंदी व्याकरण की कॉपी में करना है और कोई भी बच्चा किसी और कॉपी में इस काम को नहीं करेगा, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्यों के सामने इनके काल लिखिए। काल पाठ कराया हुआ है ना आपको, तो पहला प्रश्न देखिए इसमें क्या लिखा है। का वाले में वह इसी मोहल्ले में रहता है, वह इसी मोहल्ले में रहता है, ये कौन सा काल है इसमें रहता है? वर्तमान काल हो गया, वर्तमान काल ये लिखना है आपको, ठीक है। अगला देखिए, खा वाला देखिए, वे कल शाम तक आएंगे, आएंगे, इससे आपको क्या पता चल रहा है कि वे अभी आए नहीं, यानी कि आएंगे, भविष्यकाल हो गया ये, भविष्य, भविष्यकाल, ठीक है। अगला देखिए, गा वाला है, इसने अभी अपना कार्य पूरा नहीं किया, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि कौन सा काल है ये, यानी कि अभी उसने काम पूरा नहीं किया है, नहीं किया, ये हो गया भूतकाल, 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 ठीक है। घा वाला देखिए, वे लोग आज शहर जा रहे हैं, शहर जा रहे हैं, इसका मतलब ये कौन सा काल है? वर्तमान काल, वर्तमान काल, ठीक है। आगे देखिए, बड़ा वाला, कल रात उसका फ़ोन आया था, था से समझ आ गया कि ये भूतकाल में जाएगा, भूतकाल, भूतकाल, ठीक है। काल वाला समझ आ गया आपको प्रश्न। आगे देखिए, आगे देखिए, सेकंड प्रश्न है, उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाओ, ठीक है। उपसर्ग लगाना है आपको, उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के शुरुआत में जुड़ के उसके अर्थ को बदल दें उसे क्या बोला जाता है, उपसर्ग बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक शब्द लिखा है कम, दूसरा लिखा है जोर, तो जोर में कम लगा तो क्या बन गया, कमज़ोर, कम जोर, समझ गए। आगे देखिए, अप मान, यहाँ लिखा है अप, यहाँ मान लिखा है, क्या बना, अप मान, ठीक है। आगे देखिए, ऐसे ही तीसरा वाला देखिए, बदनाम, बदनाम, इससे क्या बना, बदनाम, बदनाम, ठीक है। चौथा देखिए, अवगुण, अवगुण, इससे क्या बना, अवगुण, अवगुण। पांचवा है, पांचवा है बेघर, बेघर से क्या बना, बे घर, बेघर, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। प्रत्यय लगाकर हमें नए शब्द बनाने हैं। प्रत्यय क्या होते हैं, जो किसी मूल शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ को बदल दें उसे क्या बोलते हैं, प्रत्यय। जैसे भारत, भारत में ईय प्रत्यय लगा तो क्या बन गया, भारतीय, भारतीय, ठीक है। भारत शब्द के अंदर ईय प्रत्यय लगा तो क्या बना, भारतीय। ऐसी धर्म शब्द में, धर्म मूल शब्द है, इसमें इक प्रत्यय लगा तो क्या बना, धार्मिक, धार्मिक,
अगला देखिए, बुरा, मूल शब्द बुरा है, उसमें आई लग गया तो क्या बना, बुराई, बुराई, ठीक है। अगला देखिए, चौथा प्रश्न देखिए, चौथा, श्री, श्री में मान लगा तो क्या बन गया, श्रीमान, श्रीमान, ठीक है। आगे देखिए, पांचवा पॉइंट देखिए, सुख, सुख में ई लगा तो क्या बना, सुखी, सुखी, सुखी बन गया। समझ गए यहाँ तक आप लोग? आगे देखिए, आगे है दिवाली पर निबंध। इस निबंध को आपको कॉपी में ही करना है, जैसे यहाँ पर लिखा है वैसे ही आपको करना है, ठीक है, और इसे अच्छे से याद भी करना है आपको, ठीक है। लिखिए आप इसे। ओके, धन्यवाद।